गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे सी कृष्णा कैंप छो। कैसे आप लोग? हर हर महादेव। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ सूरत के रुद्रनाथ महादेव, जो आया है उधना मगदल्ला रोड पे। यहाँ पे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाओगे। जी हाँ, माता वैष्णो देवी के दर्शन जो कचरा झाके नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप सूरत में कर पाओगे। यहाँ पे माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई है, जहाँ पे आप अंदर से दर्शन कर सकते हो। और यहाँ का टाइमिंग रहने वाला है 4 o'clock से रात के 9 बजे तक। और जी हाँ, यहाँ का जो माता वैष्णो देवी की यहाँ पे जो थीम रखी गई है उससे रिलेटेड, और ये कितने साल पुराना है, ये करीब 200 से ज़्यादा साल पुरानी मंदिर है। तो इसके बारे में भी मैं जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और यहाँ पे आके आप दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले थीम देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। हर हर महादेव। अभी रुद्रनाथ महादेव पे खड़े हो। यहाँ हमारे पूर्वजों से पूजा चली आ रही है। हमारे पूर्वज सौराष्ट्र में रहते थे, वहाँ रुद्रनाथ दादा ने उनको दर्शन दिए थे और बोला कि यहाँ ये जगह पर मैं हूँ, आप वहाँ पे जाइए और मेरी पूजा अर्चना कीजिए। तो वहाँ से यहाँ आकर हमारे जो दादाजी थे उन्होंने पूजा स्टार्ट की थी। पहले छोटे से मंदिर से स्टार्ट किया था, फिर उनके बाद उनके लड़के उन्होंने मंदिर को धीरे धीरे से डेवलप किया है। और इस बार हमने माँ वैष्णो देवी की गुफा का आयोजन किया है शिवरात्रि के मौके पर, जिसको भी माँ वैष्णो देवी को
कटार तक देखने का मौका नहीं मिला हो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर रुंडनाथ महादेव मंदिर रुंड मगदल्ला गांव डुमस रोड पे आया है। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की कृपा से गुफा का आयोजन किया गया है। ये 3 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगा। जिसको भी माता के दर्शन करने हो वो रुंडनाथ महादेव मंदिर डुमस रोड पे आ सकता है। टाइम शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रहे। रुंडनाथ महादेव मंदिर एटले लगभग घना लांबा समय थी छे अने मने एनी पूरेपूरी जानकारी नथी के क्यारथी स्टार्ट थयुं छे, पण स्वयंभू छे अने हूँ लगभग 57 वर्षथी अहीं आवुं छुं। મારા મામા અહીંયા કમળ બનાવતા હતા ત્યારથી એમની સાથે આવતા હતા અને હવે મને બી રુંડનાથ દાદા એમની સેવાનો મોકો આપ્યો છે એટલે વારંવાર અહીં આવવાના મોકા મળે છે, દર્શન મળે છે અને એના સાનિધ્યમાં આવ્યા પછી લાઈફ એટલી બધી સુંદર અને એટલી શાંતિમય બની ગઈ છે ને કે અલૌકિક આનંદ જ આવે છે લાઈફમાં। तो श्री रुद्रनाथ महादेव मंदिर में मैंने जो आपको दर्शन कराए और जो दर्शन आप कतरा जाके माँ वैष्णो देवी के कर पाते वो अब आप सूरत में कर पाओगे। इसका पूरा इतिहास है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा और दर्शन कीजिएगा। और ये जगह भी बहुत ही पीसफुल है, ये जो टेम्पल है वो बहुत ही पीसफुल है और यहाँ के आपको ऐसा एटमोसफियर ही यहाँ का पूरा ऐसा है। यहाँ पर हमने जो आते थे कई सालों से उनके पास से भी आपको रिव्यू दिया कि यहाँ पर लोग बहुत ही अभी भी यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। तो उसके साथ हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। होप कि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नए व्लॉग में फिर से मिलता है, तब तक बाय बाय, अलविदा।